सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। देख सकते हो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कि हमारे दिल्ली एनसीआर को सर्कल है पूरा। दोस्तों आज मैं यहां से दिखाने वाला हूं आपको मुरादनगर आरआरटीएस के स्टेशन तक का व्यू कि कितना कुछ उस बीच में वर्क कंप्लीट हुआ है, क्या क्या चल रहा है अभी, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों तो देख सकते हो अभी इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाने के बाद में ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिया है। अब इस पर ओएचई वायर देखो लगाई जा रही है एक साइड में, दूसरी साइड में अभी वर्क चल रहा है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और इस पर ट्रैक पहले ही बिछा दिया जा चुका था। जैसे जैसे हम मुरादनगर के करीब पहुंचेंगे तो वहां पर ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है दोस्तों, और मुरादनगर से मोदीनगर के बीच में उधर भी ट्रैक बिछाया जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद तक का मैंने दिखाया था, तो आप लोगों को कैसा लगा? कल की वीडियो में मैंने दिखाया था आपको गुलढर से लेकर और दुहाई के बीच में दोस्तों। तो आप सभी बताना कि आपको बता दो दोस्तों कि प्रायोरिटी जो सेक्शन है 17 किलोमीटर का रूट, उसमें अगले महीने से रैपिड रेल चलना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको बता दूं कि दुहाई से लेके और मेरठ के बीच में ये सन 2025 में चलाई जाएगी दोस्तों। और जो इसका शुरुआत हुई थी दोस्तों 8 मार्च 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, और आप लगा लो कौन सी साल चल रही है, क्योंकि अब तक ये कंप्लीट हो जानी थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये जो कोरोना आ गया था उसकी वजह से काम स्लो हो गया, बंद पड़ा रहा, एक साल तो बंद ही रहा, पर उसके बाद में चलना स्टार्ट हुआ, तो इसलिए इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है दोस्तों। जैसा कि ये पहली बार हमारे भारत देश में चलाई जा रही है दोस्तों, पहली बार, जो कि दिल्ली के सरायकाले खान से स्टार्ट होती है और ये मेरठ के मोदीपुरम तक इसका रूट है दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है दोस्तों, जिसमें से 17 किलोमीटर का पार्ट लगभग कम्प्लीट ही हो गया है, और अगले महीने में इस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अभी जो डिवाइडर बनाने का काम था वो भी कर लिया जा चुका है, अब इसमें प्लांटेशन की जाएगी, जो बीच का डिवाइडर है उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यही वर्क रह रहा है। बाकी तो डिवाइडर बना दिया है, मिट्टी भी डाल दी है इन्होंने, और ऊपर का देखो, ऊपर की बात की जाए तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर इस पर ओएचई वायर लगा दी थी, लेकिन इधर अब लगाई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हो, जैसे जैसे मुरादनगर के करीब पहुँचेंगे वैसे वैसे यहाँ पर ट्रैक बिछाने का भी काम चल रहा है दोस्तों।
जो ट्रैक स्लैब हैं पहले वो बिछाए जाते हैं, फिर उसके बाद में इस पर ट्रैक बिछाया जाता है। और आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि मुरादनगर के स्टेशन पर क्या क्या वर्क अभी चल रहा है इस टाइम पर प्रेजेंट में, और कितना बन के कम्प्लीट हो गया, क्या क्या वर्क चल रहा है, वो आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ये आ चुका है, देख सकते हो मुरादनगर का RRTS का स्टेशन गाइस। तो आपको बता दूँ, देख सकते हो जो ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल का जो काम है उस पर फ्लोरिंग करके, और इस पर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है। अब इस पर जो पत्थर है वो बिछाया जाएगा मार्बल, और इसका जो कॉन्कोर्स लेवल है वो पहले ही बन गया था, तो यही वर्क चल रहा है। अंदर से इस पर पेंट भी किया जा रहा है दोस्तों, इस पर डेंट पेंट किया जा रहा है अंदर से, और इसमें एक्सीलेटर और इसके स्टेयर्स बनाने का काम चल रहा है। और इसमें जो आपको बता दूँ मार्बल है वो लगाया जा रहा है। तो अभी यही वर्क चल रहा है यहाँ पर मुरादनगर के स्टेशन पर दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी फिनिशिंग का भी काम चलेगा, और इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। इसमें दो ही एंट्री एग्जिट पॉइंट होने, एक लेफ्ट हैंड पे, दूसरा राइट हैंड पे। तो दोनों आधे आधे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कितनी कंक्रीट पड़ा हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग देखो, हम आ चुके हैं मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क अभी तेज़ी के साथ में चल रहा है, और इधर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो कितनी भारी भरकम ये क्रेन मशीन है दोस्तों, ये देख सकते हो। तो अभी सेकंड फ्लोर की फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हो ऊपर जो प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जा रहा है अभी इस टाइम पर, और इधर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों। देखो अभी इसका फाउंडेशन का काम किया जा रहा है, तो देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है। अब इसमें कंक्रीट का मसाला भर दिया जाएगा, तो अभी देख सकते हो दोनों में ही, उधर का भी इधर का भी, तो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है, और वहाँ से ये जोड़ा जाएगा उस साइड से। तो ये है मुरादनगर RRTS का स्टेशन दोस्तों, जो कि आपको बता दूं कि जो अंदर स्टेशन के अंदर का काम है पेंट का वो कर लिया जा चुका है, ऊपर का काम किया जा रहा है प्लेटफॉर्म लेवल के लिए दोस्तों। तो यही है कंस्ट्रक्शन वर्क, और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। देख सकते हो ये KP संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता, तो कुछ इस तरीके से ये आपको बता दूं। उधर तो खम्भे स्टील के जो खम्भे हैं वो और टाइप के हैं, इधर कुछ और टाइप के लगाए जा रहे हैं, वो देख सकते हो वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है खम्भे लगने, जो ऊपर का सेट बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म लेवल का जो सेट है वो देखो वो लगने अब स्टार्ट हो गए हैं। तो यही वर्क है सारे में, कंस्ट्रक्शन ही वर्क आप लोगों को दिखाई देगा, कंस्ट्रक्शन का सामान ही। तो अभी इधर तो टाइम लगेगा कि सन 2025 में चलाई जानी है। और आपको बता दूं यहाँ पर ये एक्सीलेटर भी लगा दी जा चुकी है येलो कलर में, उसके साइड में है सीढ़ियाँ दोस्तों, स्टेयर्स देख सकते हो तस्वीर, और उधर भी बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो उधर भी आप लोग देख लो कि उधर भी अभी जो उसके पिलर हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो पिलर अभी नहीं बने उस साइड में, देख सकते हो वो चमक रहा है। तो ये है मुरादनगर का स्टेशन कुछ ऐसा RRTS का दोस्तों। आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।